हाय गाइस, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और 5 मिनट पहले भी मुझे पता नहीं था कि मैं आज व्लॉग करने वाली हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ सडनली तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग ही कर लेती हूँ। आज शायद होने वाली है मेरी वैक्सीनेशन डे, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं था, पर मतलब हम जब यहाँ पे आए थे ना, हमने सोचा था कि यहाँ से अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है यहाँ पे तो हम लोग लगा लेंगे, लेकिन नहीं अवेलेबल था तो नहीं कर पाए। तो अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही मेरे एक कज़न भैया ने मुझे फ़ोन करके कहा कि 12 साल के नीचे जो भी बच्चा है उनके मम्मीज को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो अभी भी दिया जा रहा है, तुम जस्ट अभी अभी जाओ, लाइन में लगो, वो लोग दे देंगे, जस्ट प्रूफ लेके जाना, बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड वगैरह ये सब। तो फटाफट मैं तैयार हुई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया और मैं बस अभी फटाफट से जा रही हूँ, बिकॉज ये मौका तो बार बार नहीं आता है और बहुत दिनों से अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मौके पे चौका लगा दिया जाए। और ये है हमारा अब का गेट और मुझे लेके जा रहे हैं मेरे पति देव। वियान अभी सो रहा है, सो वियान को मैं मम्मी के पास सुला के आई हूँ। बहुत धूप है आज, तो वैक्सीनेशन मेरी हो गई है। और दर्द के बारे में बताओ तो बच्चे का माँ हूँ तो ऑलरेडी बहुत बार तो लग गया है ये सब, मतलब इंजेक्शन वगैरह, सो इंजेक्शन की हैबिट है तो वैसा ही दर्द है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी फिर पता चलेगा कि धीरे धीरे फीवर आता है या नहीं या फिर कुछ और होता है, वो देखूँगी मैं। चलिए अभी घर चलते हैं। और इनका नहीं हुआ है अभी तक, है ना? पापा को नहीं दे रहे, मम्मी को खाली दे रहे। इनका भी नहीं हुआ है। चलो अभी चलते हैं घर। और गाइस, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि कौन सा वाला वैक्सीन मुझे लगी है। तो मुझे लगी है कोविशील्ड, कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगी है मुझे। और अभी लगाने का मतलब 3 घंटे हो गए हैं, मैंने 4 बजे लगाया था और अभी शाम के 7 बज गए हैं, तो 3 घंटे बाद अपडेट। यस मामा। तो 3 घंटे बाद अपडेट ये है कि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, मतलब आई एम प्रीटी नॉर्मल, कुछ भी मतलब ना हाथ में कोई दर्द हो रहा है ना ही फीवर वगैरह कुछ भी अभी तक तो नहीं आया है। आगे अगर कुछ भी होता है तो उसकी अपडेट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, बट टिल नाउ आई एम प्रीटी नॉर्मल। और अभी टिया यहाँ पे ग्लैमर क्वीन आ गई है, ये गई थी थोड़ी सी बाहर। और हाँ, शुतनुदा आज चले गए हैं, तो अभी हम लोग ना क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। मैं नहीं बना रही हूँ, ये बना रही है और मैं हूँ कैमरा मैन। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टिया कॉट, प्लीज फॉलो कर लेना। अभी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे अभी जानी है बाहर किसी के घर। अभी बजे है रात के 8 आई थिंक, तो किसी के घर जानी है, तो हम एक बच्ची से मिलने जा रहे हैं मैं और व्यान। तो उसकी राइस सेरेमनी हुई थी कुछ दिन पहले और हमें इनवाइट भी किया था, लेकिन ना तब हम लोग सिलीगुड़ी में थे और हम लोग आ नहीं पाए थे, तो इसलिए मैं उसको मतलब उसके साथ एक बार मिलना चाहती हूँ और उसको एक गिफ्ट दे के आना चाहती हूँ। यस। और व्यान तो बुक लेके बैठा है और ये बुक पापा लेके आई है, मीन्स मेरे पापा, व्यान के दादू भाई ने व्यान को दिया है और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, व्यान को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो हम लोग उससे ही मिलने जा रहे हैं। और अगर हो सके तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करूँगी, तो इसलिए मैं तैयार हूँ और मैंने यहाँ पे व्यान को भी तैयार कर दिया है। और किया है यहाँ पे, वो अपनी रील्स का काम कर रही है।
और वियान रास्ते में भी बुक पढ़ते हुए जा रहा है। वो किसी भी हालत में बुक्स घर में रख के नहीं आना चाहता था, उसको बुक पढ़ते हुए जाना है। ये हाथ करो बन्नू के, ও বাবা পড়ে যাস না বাবা, তোর উপরে ও পেছন থেকে গিয়ে হাত পাবে। ওলে বা ওলে বা ওলে বা ওলে ওকে। তো অভি ভাড়া বজনে ওয়ালা হ্যায় রাত কে অর হাম লোগ আ গয়ে হ্যায় উপর উপর কে বেডরুম পে। ইয়ে হাজবেন্ড জি অর বিয়ান তো অলরেডি সো চুকা হ্যায়। তো অভি আপডেট ইয়ে হ্যায় কি कुछ फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो जहाँ से हमने मैं धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि वियान यहाँ पे सो रहा है। तो जहाँ से हमने वैक्सीनेशन दिया ना, तो वहाँ से कुछ मेडिसिन दिया मुझे कि अगर फीवर वगैरह आए तो ले लेना, लेकिन फीवर नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हाथों में पेन हुआ है ना ही कुछ। और सिर्फ मैं अकेले ही नहीं, मेरे घर में मेरी एक कज़न सिस्टर ने भी लिया है आज, और मेरे भाभी ने भी लिया है, क्योंकि दोनों की बच्चे का जो एज है ना वो 12 से नीचे है, तो इसलिए हम तीनों ने मतलब मिलके ही एक साथ एक ही डे पे वैक्सीनेशन लगवा लिया है। और हम तीनों ही अच्छे हैं, किसी को भी फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया है। बट ये मान ही नहीं रहे है, इज़ लाइक आएंगे फीवर आएगा फीवर आएगा। अगर फीवर नहीं आता ना तो हमारा वैक्सीनेशन किसी काम का नहीं, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है, लेकिन फीवर अगर आए तो ऐसा बोला क्यों मुझे? तो मैंने ऐसे बोला। और अभी हम लोग सोते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल। सो गाइस, ये है डे टू, और अभी जो अपडेट है ये है कि मेरी जो यहाँ पे ना मतलब जहाँ पे वैक्सीनेशन लगी है, तो यहाँ पे मैं दिखा भी सकती हूँ, थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। यस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी इस हाथ में ना थोड़ा बहुत पेन है, जो कल बिल्कुल नॉर्मल था, अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लगा है कुछ। तो ये, और बाकी रात में मुझे फीवर वगैरह नहीं आया था, और शेखर तो बार बार मुझे ऐसे करके चेक करा था, पर फीवर वगैरह मुझे नहीं आया था। लेकिन ना आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कोसा कोसा गर्म हो रहा है अंदर से। लेकिन बाहर से मैं ठीक हूँ, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कोसा कोसा गर्म गर्म है मेरी बॉडी। और मतलब कल बिल्कुल अच्छी थी, आज मतलब ऐसे तो मैं अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, मतलब कुछ तो हुआ है तो ऐसा कुछ। और मेरी जो भाभी है वो भी कम्प्लीटली फाइन है, उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पर मेरी जो कज़न सिस्टर जो मेरे साथ ही लगी थी, उसको भी, तो उसको आया था फीवर रात को, तेज़ वाला फीवर आया था। हे गाइस, सो इस वीडियो को मैंने कल एंड किया ही नहीं, क्योंकि कल ना मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद मतलब ये वैक्सीनेशन लेने की वजह से ही था। तो दोपहर को मैं जल्दी जल्दी खाना खा के मैं सो गई थी, तो एक छोटा सा नैप लिया था मैंने, लेकिन फिर भी ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मीन्स अंदर से वीक लग रही थी, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं सो जाऊँ, बस सो जाऊँ मैं, ऐसा फील हो रहा था। और ना मेरी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो ऐसा होते होते जितना रात गया ना दर्द उतना ज़्यादा हो रहा था। और सुबह से शायद मुझे बोल रहे थे कि पैरासिटामोल ले लो, क्योंकि आपको अंदर से फीवर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। फिर रात को इतना तेज़ मेरी पैरों में दर्द हो रहा था ना, कि मैं खुद ही अपना पैर दबा रही थी बैठ के, तो पापा आंटी या दोनों फोर्स कर रहे थे कि पैरासिटामोल ले लो ले लो ले लो। तो जो दवाई उन्होंने दिया था वहाँ से ही, तो वो एक मैंने लिया, एंड उसके बाद मतलब आधे घंटे बाद सब कुछ ठीक हो गया, ना ही मेरा दर्द था और ना ही अंदर से जो फीलिंग आ रही थी ना, वो कोसा कोसा गर्म वाला और जो वीकनेस वाला, वो भी चला गया था।
फिर रात को कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई और आज सुबह उठ के मैंने देखा कि मैं एकदम फाइन हूँ, एकदम पहले की तरह नॉर्मल फील कर रही हूँ अभी और कुछ नहीं, आई थिंक इसके बाद और कुछ नहीं होगा रिएक्शन। तो बस मुझे यही अपडेट देना था आप लोगों को कि वैक्सीनेशन के ऊपर मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके ऊपर है ये वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।